बिजनेस साइकिल फैक्ट्स स्टूडेंट्स आज हम अमेरिकन इकानोमी के डेटे की मदद से कुछ बिजनेस साइकिल्स के हवाले से बात करेंगे आफ्टर द वर्ल्ड बार सेकेंड ये हमारे पास डेटा है कि अमेरिकन इकॉनोमी में जो रिसेशन आए उनके हवाले से हम देखेंगे कि ईयर एंड क्वार्टर ऑफ़ पीक इन रियल जीडीपी, यानी किस साल और उसके किस क्वार्टर में इकॉनमी जीडीपी जो अपने पीक पर थी फिर वो नंबर ऑफ क्वार्टर्स अंटल ट्रफ इन रियल जीडीपी, फिर उसमें कंट्रैक्शन शुरू हुई और अपने वो मिनिमम पॉइंट पर आई उसमें कितने क्वार्टर्स लगे और उस अरसे के दौरान जीडीपी में कितनी चेंज आई फॉर एग्जांपल सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो पहला रिसेशन आया वो 1948 के फोर्थ क्वार्टर से स्टार्ट हुआ उसका और दो क्वार्टर्स तक वो रिसेशन जो था वो चलता रहा और इस अरस के दौरान जीडीपी में 1.7 परसेंट कमी देखी गई नेक्स्ट रिसेशन 1953 के सेकंड क्वार्टर में स्टार्ट हुआ और ये तीन क्वार्टर्स तक जारी रहा और इसमें जीडीपी में 2.5 परसेंट उसमें कमी आई और उसके बाद 57 के थर्ड क्वार्टर में रिसेशन स्टार्ट हुआ और उसमें 3.6 परसेंट जी में कमी आई इसी तरह 60 के फर्स्ट क्वार्टर में नेक्स्ट आया फिर 70 के थर्ड क्वार्टर में आया एक रिसेशन और जस्ट एक एक क्वार्टर में ही वो अपने मिनिमम पॉइंट्स को पहुंच गया 73 के फोर्थ क्वार्टर में जो रिसेशन स्टार्ट हुआ वो काफ़ी लंबा चला फाइव क्वार्टर तक और इस अरसे में 3.1 परसेंट जी में कमी बाकी हुई उसके बाद 80 के फर्स्ट क्वार्टर में स्टार्ट हुआ और में क्वार्टर्स तक वो चलता रहा और इसमें 2.2 परसेंट कमी आई एटी वन के थर्ड में स्टार्ट हुआ और उसमें टू पॉइंट एट परसेंट कमी आई फिर उसके बाद नाइन्टीन नाइनटी के थर्ड क्वार्टर में स्टार्ट हुआ और उसमें वन पॉइंट थ्री परसेंट एंड इसी तरह एक और टू थाउजेंड के फोर्थ क्वार्टर में स्टार्ट हुआ और माइल्ड था एक एक क्वार्टर जारी रहा और उसमें पॉइंट थ्री परसेंट कमी आई टू थाउजेंड सेवन के फोर्थ क्वार्टर में जो रिसेशन स्टार्ट हुआ ये चला भी सिक्स क्वार्टर तक और इसमें जो जीडीपी में कमी आई वो भी फोर पॉइंट टू परसेंट इन सब ये 11 रिसेशंस का डाटा है जो हमने देखा सो so, इन 11 रिसेशन में आपने जो चीज़ हमने समझनी वो ये कि पहली बात ये है कि एक रिसेशन के बाद दूसरा रिसेशन कब आता है जब हमने लास्ट टाइम लास्ट मॉड्यूल में जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी कि ये बिज़नेस साइकिल जो है ये रिकरेंट हैं बट पीरियोडिक नहीं है कि हम प्रिडिक नहीं कर सकते कि एक के बाद दोबारा कब आएगा तो इसमें अगर आप देखें कि फॉर एग्जांपल 1980 के फर्स्ट क्वार्टर में आया रिसेशन और फिर उसके थर्ड क्वार्टर में ठीक है ये यानी तकरीबन तो एक साल में दोबारा ये आ गया रिसेशन स्टार्ट हो गया और उसके बाद आप देखें कि 81 के थर्ड क्वार्टर के बाद फिर 90 में ऑलमोस्ट आफ्टर 10 इयर्स, यानी टाइमिंग के हवाले से अगर आप स्पेसिंग के हवाले से देखेंगे तो ये रिसेशन फिर 10 साल के बाद आया और इसी तरह 90 के बाद 2004 में भी आप देखेंगे कि फर्दर दस साल के बाद रिसेशन आया तो एक तो अपनी स्पेसिंग के हवाले से कि एक रिसेशन के बाद दूसरा रिसेशन कब आता है ये अनप्रिडिक्टेबल है इसमें हमारे पास बहुत ही डाइवर्स एविडेंस मौजूद है कि एक साल में भी दोबारा आ जाता है और दस सालों बाद भी आता है और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसी एक रिसेशन में जी में कमी कितनी आती उसमें भी अगर आप देखेंगे तो वो कमी में आपको ये वैल्यू एक पॉइंट थ्री की भी मिल रही है और उसमें आपके पास दूसरी वैल्यू फोर पॉइंट टू परसेंट भी मिल रही है सो so, अपने इम्पेक्ट के अतबार से भी ये रिसेशंस की जो इंटेंसिटी है ये बहुत डिफरेंट होती है कभी बहुत माइल्ड सा है कम उसमें कमी आई है और कभी उसमें बहुत फोर पॉइंट टू परसेंट कमी ओबियसली बहुत बड़ी कमी है टू थाउजेंड सेवन का जो ग्रेट रिसेशन था फाइनेंशियल क्राइसिस के नतीजे में आया आपने सुना होगा तो ये उसके हवाले से उसका डाटा है ओके okay, तो इस इस टेबल में हमने क्या समझा कि ये जो डिफरेंट आते हैं ठीक है बिजनेस साइकिल जो हैं इनका स्पेसिंग ठीक है इनकी ड्यूरेशन और इनका इम्पैक्ट ये किस तरह से वेरी करता है नेक्स्ट हमारे पास एक टेबल है उसमें हम देखेंगे कि जब भी रिसेशन ये जो इलेवन रिसेशंस हैं आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार इसमें डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं आउटपुट के उनका बिहेवियर क्या है ठीक है इसमें जो चीज़ हम मस हम देखते हैं कंजम्पशन कंजम्पशन में तीन चीज़ें हम ले रहे हैं ड्यूरेबल्स की नॉन ड्यूरेबल्स की और सर्विसेज की कंजम्पशन ओके सो ड्यूरेबल का जो शेयर जीडीपी में है वो 8.5 परसेंट है और नॉन ड्यूरेबल्स का जो शेयर है 19.5 परसेंट है और सर्विसेज का शेयर 35.3 परसेंट यानी जीडीपी में जो इनके इन कंजम्पशन आइटम्स के शेयर हैं लेकिन एवरेज शेयर इन फॉल इन जी डी पी इन रिसेशन रिलेटिव टू द नॉर्मल ग्रोथ कि जब रिसेशन आता है और जी डी पी में कमी वाकई होती है तो उसमें वो ड्यूरेबल्स जो जी डी पी में उसका शेयर एट पॉइंट फाइव फाइव परसेंट था लेकिन रिसेशन में फॉल में वो फिफ्टीन परसेंट कंट्रीब्यूट करता है यानी जी डी पी में जो उसका साइज है उससे कहीं ज़्यादा वो रिसेशन को काज कर रहा है और रिसेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है इसके मुकाबले में नॉन ड्यूरेबल्स का शेयर 19.5 परसेंट है लेकिन वो रिलेटिवली स्टेबल है रिसेशन में उसका शेयर अपने जीडीपी के शेयर के मुकाबले में कम है वो जस्ट नाइन पॉइंट परसेंट है और इसी तरह से सर्विस आप देखें तो ये जी में शेयर उसका थर्टी फाइव पॉइंट थ्री परसेंट है लेकिन रिसेशन में जब डी में कमी आती है तो उसमें उस वो जस्ट इलेवन पॉइंट वन परसेंट कंट्रीब्यूट करता है तो कंजम्पशन के तीन आइटम्स हमने डिस्कस किए उसमें जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है रिसेशन में वो ड्यूरेबल आइटम्स की कंजम्पशन है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है इसी तरह इन्वेस्टमेंट में हमने तीन कंपोनेंट्स लिए रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड नॉन रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्रीज रेजिडेंशियल का शेयर जीडीपी में 4.7 परसेंट है लेकिन रिसेशन में रेजिडेंशियल बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है और 11 परसेंट यानी अपने जो जी जीडीपी में शेयर है उससे आलमोस्ट मोर देन डबल उसमें होता है और इसी तरह फिक्स नॉन रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में भी उसका शेयर ट्वेल्व परसेंट है लेकिन जीडीपी में जब फॉल आता है रिसेशन आता है तो वो ट्वेल्व परसेंट ट्वेंटी टू परसेंट कॉस्ट करता है और सबसे जो इम्पोटेंट चीज़ आपने नोट करनी है कि इन्वेंट्रीज़ का शेयर जस्ट पॉइंट फाइव परसेंट है जीडीपी में लेकिन रिसेशन में वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं ऑलमोस्ट हाफ फोर्टी फाइव पॉइंट सेवन परसेंट ठीक है half, चीके? ये सबसे इंपॉर्टेंट आप चीज़ इसमें नोट करेंगे कि इन्वेस्टमेंट ओवरऑल कंजम्पशन के हवाले से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा पॉलिटाइल है कंजम्पशन में ड्यूरेबल गुड्स की कंजम्पशन ज़्यादा इफेक्ट होती है इन्वेस्टमेंट में एज ए होल कंजम्पशन से ज़्यादा वो कास्ट करती है लेकिन इन्वेस्टमेंट में फ़र्दर आप देखेंगे तो इन्वेंट्री सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती हैं गवर्नमेंट परचेज़ ट्वेंटी पॉइंट सेवन परसेंट शेयर है और उसमें ये रिलेटिवली इधर है गवर्नमेंट कंट्रोल करती है रिसेशन में अब वो मैनेज करने की कोशिश करती है तो वो उसमें कमी कम वाक्य होती है और इसी तरह नेट एक्सपोर्ट्स में माइनस वन पॉइंट टू परसेंट इसका नेट एक्सपोर्ट्स का शेयर है लेकिन जब रिसेशन आता है तो ये थर्टीन पॉइंट फाइव परसेंट हो जाता है तो इस तरह ये हमने एक और एस्पेक्ट से देखा कि जीडीपी के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो रिसेशन में किस किस तरह से उनका क्या शेयर होता है कैसे वो बिहेव करते हैं थर्ड जो टेबल हमारे पास है वो है बिहेवियर ऑफ सम इम्पॉर्टेंट मैक्रो इकनॉमिक वेरिएबल्स रियल जी रियल जी जो है रिसेशनस में ऑन एवरेज एलेवन पहली बात तो ये कि एलेवन रिसेशन में से एवन में ही इसमें कमी वाकई हुई है रियल जीडीपी में हमने देखा कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जिस टाइम पीरियड को हमने स्टडी किया उसमें इलेवन रिसेशन आए अमेरिकन इकॉनमी में और इलेवन में से एवन में ही जी में कमी वाकई हुई है और ऑन एवरेज इसमें कमी हुई है फोर पॉइंट टू परसेंट एम्प्लॉयमेंट में भी कमी वाकई हुई है और सब सब रिसेशन में अगेन इलेवन बाई एलेवन आप देखेंगे इसमें भी कमी बाकी हुई है और ये कमी 2.5 परसेंट इसमें कमी बाकी हुई और अनएम्प्लॉमेंट रेट ऑब्वियसली रिसेशन में बढ़ेगा इसलिए इसके साथ पॉजिटिव नंबर है ये 1.9 पॉइंट नाइन परसेंटेज पॉइंट इसमें इजाफा हुआ है राइट मैंने पिछले किसी मॉड्यूल में डिस्कस किया था परसेंट percent और परसेंटेज पॉइंट का डिफरेंस आपने जहन में कि ये ये है कि यह परसेंटेज पॉइंट का इजाफा हुआ है और यहाँ पर यह ज़ीरो बाई क्यों है इसलिए एक इजहार है इसका हमने टाइटल दिया है कि नंबर ऑफ रिसेशन इन विच वेरिएबल्स फॉल्स तो अनए्लॉयमेंट तो ऑबियसली बढ़ी है बढ़ती है रिसेशन में इसलिए ये ज़ीरो बाई अलेवन है इसका मतलब ये है कि ग्यारह के ग्यारह रिसशन में एक्चुअली क्या हुआ आपकी एम्प्लॉयमेंट ऊपर हमने देखा था कि एम्प्लॉयमेंट कम हुई है और अनएम्प्लॉमेंट भी आपकी बढ़ी है ग्यारह के ग्यारह में और कम नहीं हुई इसलिए ये ज़ीरो बाई अलेवन नेक्स्ट जो आइटम है वो है एवरेज वीकली आवर्स रिसेशन जब आता है तो वर्किंग आवर्स पर वीक जो है वो कम हो जाते हैं और ये कम हुए टू पॉइंट एट परसेंट और ये भी कंसिस्टेंट बिहेवियर है 11 में से 11 टाइम्स ऐसा हुआ है और आउटपुट पर आवर इसमें कमी वाकई हुई है आउटपुट पर आवर के एवरेज प्रोडक्टिविटी जो है इसमें कमी वाकई हुई है और ये 1.6 परसेंट कमी हुई है और ये 11 में से टाइम टाइम्स ऐसा हुआ इसको अगर आप लिंक करना चाहें कि जी में कमी हुई है फोर परसेंट की अनएम्प्लॉयमेंट रेट में इजाफा हुआ है वन पॉइंट नाइन परसेंट का एक तो आप ओकन लॉ हमने पढ़ा था उसको आप अगर इससे लिंक करना चाहें तो ओकन लॉ में हमने देखा था कि क्या रिलेशनशिप है अनएम्प्लॉमेंट में और जीडीपी में ठीक है कि जी डी पी अगर अनएम्प्लायमेंट रेट वन परसेंटेज पॉइंट से बढ़ता है तो जी डी पी में कितनी तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वन पॉइंट नाइन और फोर पॉइंट टू आलमोस्ट वन परसेंटेज पॉइंट जब इसमें इजाफा हो रहा है तो जी डी पी में दो परसेंट से ज़्यादा कमी बाकी हो रही है। तो अनएम्प्लॉमेंट रेट में कम इजाफा हुआ है और उसमें ज़्यादा कमी बाकी इसकी वजह क्या है इसकी वजह यही है कि आवर्स वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं एवरेज प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है जिसके नतीजे में आउटपुट ज़्यादा बढ़ती है और अनएम्प्लॉयमेंट उतनी नहीं उसमें इजाफा होता है इसके बाद कुछ फाइनेंशियल वेरिएबल्स हैं उसमें इन्फ्लेशन है जीडीपी डिफ्लेटर उसमें बिहेवियर इतना कंसिस्टेंट नहीं है एलेवन में से फोर टाइम्स उसमें कमी वाकई हुई है ठीक है रियल कंपनसेशन पर आवर वेजेस जो हैं रियल वेजेस उसमें एलेवन में से सेवन टाइम्स उसमें कमी वाकई हुई है रियल वेजेस में ऑन ऑन एवरेज पॉइंट फोर परसेंट कमी हुई है नामिनल इंटरेस्ट रेट जो है थ्री मंथ्रेरी बिल्स पर ये इसमें कमी वाकई हुई है दस में से ग्यारह में से दस मरतबा और इसी तरह एक्सपोस्ड रियल इंटरेस्ट रेट ऑन थ्री मंथ्रेरी बिल्स जो है ये भी ग्यारह में से दस मरतबा इसमें कमी वाका हुई है। ये कुछ मैक्रो इकनॉमिक वेरिएबल्स का बिहेवियर था बिज़नेस साइकिल्स में जो अमेरिकन इकानमी के हवाले से हमने डिस्कस किया इसके आपको समझने में मदद मिलेगी कि जब बिज़नेस साइकिल में जब रिसेशन आता है तो फिर डिफरेंट माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स किस तरह से बिहेव करते हैं क्या उसमें चेंजेस आती हैं थैंक यू वेरी मच